वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख के 6 मई और दिन है बुधवार का। आज हम चर्चा करेंगे देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खौफ की, साथ ही बताएंगे कि क्या पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ सकता है, क्योंकि तेलंगाना में अब 29 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर लगातार बढ़ रहे वैट का भी जिक्र किया जाएगा। पुलवामा में आतंकियों पर हुई कार्रवाई से भी रूबरू होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन बढ़ने की चर्चाओं की। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि लोगों को जरूरी वस्तुओं की खरीदारी शाम 6 बजे तक कर लेनी चाहिए। राज्य में शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। उस दौरान यदि कोई बाहर पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन लगाया है। अब तेलंगाना के नए ऐलान से देश में भी लॉकडाउन बढ़ने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। आज देखिए, बिहार के लिए 5 गाड़ी रवाना हो रहे, झारखंड के लिए 1 गाड़ी हो रहे, राजस्थान के लिए 1 ट्रेन जा रहे, उत्तर प्रदेश के लिए 2 ट्रेन जा रहे और मध्य प्रदेश के लिए 2 ट्रेन जा रहे। तो इस प्रकार से 11 ट्रेन आज हैदराबाद से रवाना हुई। मैं 40 ट्रेन भेजना चाह रहा था, लेकिन उन राज्यों से भी हमारे को कंसेंट की जरूरत है, इजाजत लेना पड़ता है। तो एकदम 10,000 गए, वहाँ पे बस नहीं मिलेगा, आप अपने गांव नहीं पहुँच जाएंगे, वहाँ भी दिक्कत हो जाएगा, ये कुछ उल्टा सुलटा हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे अब तक 13 ट्रेन, पहले 2 ट्रेन जा चुके हैं, अब 13 ट्रेन जा रहे हैं। अब एक ऐसी अच्छी बात यह है, एक पॉजिटिव बात, कि हमारे राज्य में पूरे राइस मिल्स में जितने भी राइस के मिल्स है, बिहार के भाई काम करते हैं। अभी वो 20-22 हज़ार लोग आना चाह रहे हैं बिहार से, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। जो गाड़ी बिहार जा रहा है, वहाँ से राइस मिल में काम करने वाले लोग वापस में उसी गाड़ी में वापस हम लोग ला रहे हैं। कल एक ट्रिप आ रहा है बिहार से, जो कल गया था ट्रेन, उस ट्रेन से बिहार से फिर हम वहाँ से 1200 लोगों को भर्ती करके ला रहे हैं, जो यहाँ के भिन्न भिन्न प्रांतों में राइस मिल्स में काम करने वाले हैं। उधर जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एक जगह पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, हालांकि मुठभेड़ अभी जारी है, यहां पर जो है आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी जगह पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाज नायकू की तलाश में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है, साथ ही रेलवे ट्रैक और जंगल को खंगाला जा रहा है। इस बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी शराब के ठेके खोलने की इजाजत दे दी है। आज से राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। गौर करने वाली बात यह है कि ये दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने आमदनी के लिए शराब पर कोरोना सेस लगाने का ऐलान किया है। ये देसी शराब की बोतल पर 5 रुपये, अंग्रेजी शराब पर 20 से 50 रुपये तक रहेगा, यानी यहाँ भी शराब महंगी हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब की MRP पर 70% तक कोरोना टैक्स लगाया है, और जिसे जो है शराब प्रेमियों ने कहा था कि वो देश को दान कर रहे हैं। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल पर बढ़ी हुई ड्यूटी को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां चुकाएंगी। इससे पहले दिल्ली और फिर पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया था। ऐसे में अन्य राज्य भी रेवेन्यू के लिए पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से आम यूजर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल क्रूड ऑयल के लगातार गिरते दामों को देखते हुए लोगों को सस्ते डीजल पेट्रोल की उम्मीदें बढ़ने लगी थी, लेकिन अब इसे करारा झटका लगा है। आपको कोई फायदा नहीं होगा, डीजल पेट्रोल पुराने दामों में ही मिलेगा। बहुत महंगा कर दिया, इतना महंगा नहीं करना चाहिए था। पहले प्रॉब्लम्स हैं इतनी, ऊपर से फिर ये इतना महंगा, उल्टा थोड़ा रिलीफ देने का टाइम था, ये तो और महंगा कर दिया। तो जिस तरीके से इतना जो प्राइस हाइक हुआ है, तो कैसे बजट पे कैसे असर पड़ेगा? मैडम पूरा असर पड़ेगा इसका, तो पहले ही सैलरीज पूरी नहीं मिल रही है और दिक्कतें भी हैं, अब उसके बाद इतना महंगा, मतलब जरूरत से ज्यादा महंगा, इतना महंगा नहीं होना चाहिए था।
अब हम देश में कोरोना वायरस के मामलों पर चर्चा करते हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,400 हो गई है। अब तक 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 984, गुजरात में 441, पंजाब में 219, दिल्ली में 206, मध्य प्रदेश में 107, उत्तर प्रदेश में 114, राजस्थान में 97 और तमिलनाडु में 508 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी कि कुल 2,966 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 4 मई को सबसे ज्यादा 3,900 संक्रमित बढ़े थे। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कुल संक्रमित 46,711 हैं। 31,967 लोगों का इलाज चल रहा है। 13,160 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 1,583 लोगों की मौत हुई है। अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो पाते हैं कि 1,020 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे हमारी टोटल क्योर लोगों की संख्या बढ़कर अब 12,726 हो गई है, जिसके कारण हमारा टोटल रिकवरी रेट बढ़कर अभी 27.41 हो चुका है। टोटल 32,138 केसेस मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में 3,900 एडिशनल केसेस कंफर्म नोट किए गए हैं, जिसके कारण हमारी कुल कंफर्म केसेस की संख्या अब बढ़कर 46,433 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड 19 के कारण हुई डेथ में 195 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, जिसके कारण कुल डेथ की संख्या अब बढ़कर 1,568 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमने कंफर्म केसेस और डेथ की संख्या में अब तक का हाईएस्ट इंक्रीज नोट किया है। हम एक इंफेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं, इसलिए टाइमली रिपोर्टिंग ऑफ केसेस एंड देयर मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। कुछ राज्यों में यह गैप नोट किया गया था, जिसे आफ्टर ड्यू परसुएशन अब एड्रेस किया जा रहा है। स्टेट्स के लेवल पर यह जरूरी है कि बेस्ड ऑन केसेस रिपोर्टेड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव केस सर्च और क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। इस बीच पीएम मोदी ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स के साथ बैठक की। इसके बाद सरकार की ओर से बताया गया कि अभी 30 से ज्यादा वैक्सीन को लेकर रिसर्च जारी है, इनमें से कुछ टेस्टिंग स्टेज में है। बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से भारत में लोगों के रोजगार में जबरदस्त कमी आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार 3 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर 27.11% हो गई है, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया है। ये देश में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। मुंबई के थिंक टैंक CMIE ने बताया कि बेरोजगारी की दर शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक 29.22% रही। ये दर रेड जोन वाले इलाकों में सबसे ज्यादा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 26.69% है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 37,26,668 लोग संक्रमित हैं। 258,295 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,41,908 लोग ठीक हो चुके हैं। यूरोप में इटली के बाद अब ब्रिटेन महामारी का केंद्र बनता जा रहा है। यहां 29,427 लोगों की जान जा चुकी है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया के साथ साथ कोरोना वायरस से जुड़ी और भी स्पेशल रिपोर्ट्स जानने व समझने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।